पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ समारोह 7:15 बजे से शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार से 7 या 8 सांसद मोदी कैबिनेट में जा सकते हैं। इस कड़ी में तमाम नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी जा रही है। इस कड़ी में शिवहर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद लवली आनंद की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हुई नजर आई। तो वही कहती हुई नजर आ रही है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री पद का शपथ लेते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी, और अब जो विकास होगा देश का वो काफी अच्छे से होगा। इस कड़ी में पूर्णिया से नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। हम चाहते हैं कि ये लोग जो जात पात की राजनीति करते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये सब से ऊपर उठकर वो राजनीति करें, बिहार में कैसे विकास हो इस पर चर्चा करें, ना कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें। आपको बताते चले कि नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट में बिहार से बनने वाले मंत्रियों के नामों को जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए फाइनल किया जा रहा है। भूमिहार, यादव, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मल्लाह समुदाय के लोगों को कैबिनेट में हिस्सेदारी मिलने की संभावना है। तो वही शिवहर से जेडीयू की विजयी उम्मीदवार लवली आनंद ने मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह पर कहा कि मैं शिवहर की जनता और ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छे से अब काम होगा। तो वही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नरेंद्र मोदी के फिर से प्रधानमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं दी है। पप्पू यादव ने कहा कि पीएम मोदी से उम्मीद है कि वो अब विकास की बात ज़्यादा करेंगे, सभी धर्मों का सम्मान और उनके विचारों को अधिकारों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। हमें हिंदू मुस्लिम जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ी और नए भारत के लिए काम करना होगा। अब एनडीए की सरकार है, हमें सत्ता और पार्टी के लिए नहीं देश के लिए सोचना चाहिए। बिहार से संभावित केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट में गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय का भी नाम शामिल है। इन दोनों की कैबिनेट में वापसी संभव बताई जा रही है। दोनों नेता पिछली मोदी सरकार में भी मंत्री रहे थे। गिरिराज सिंह बेगूसराय तो नित्यानंद राय उज्जारपुर से इस चुनाव में जीत कर फिर से संसद पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इस कड़ी में लगातार मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी जा रही है। इस कड़ी में शिवहर से नव निर्वाचित सांसद लवली आनंद ने भी बधाई दी है। तो साथ ही साथ यह भी दावा किया है कि अब जो विकास होगा देश में वो और भी बेहतर होगा। इस कड़ी में पूर्णिया से भी नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि अब हम यही चाहते हैं कि ये लोग बेरोजगारी कैसे कम करें इस पर बात करें, रोजगार पर ये लोग बात करें, धर्म मजहब पर ये लोग बात ना करें, जाति पर ये लोग बात नहीं करें, जाति धर्म पर ये लोग बात ना करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये लोग ना करें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से ऊपर उठकर ये लोग बात करें। पप्पू यादव कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।